नमस्कार, स्वागत है आपका आरएन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बठिंडा से खबरों की शुरुआत करेंगे, जहां स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने के लिए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर मरीजों को कोई परेशानी न होने का भी यहां पर आश्वासन दिया है, और साथ ही राज्य के सिविल अस्पतालों में मरीजों को हर तरह की सुविधाएं मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए गए। कहा गया है कि अस्पताल ऐसे बनाए जाएंगे कि स्टाफ मरीज के पास आएगा और पूछेगा कि उसे क्या परेशानी है, इसके बाद वो अपना पर्चा बनवाकर संबंधित डॉक्टर के पास ले जाएगा। अंडर वन रूफ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਸ਼ੋਰਟ ਪ੍ਰੈਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਵੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਕੋਈ ਲੜਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ 80-90% ਦਾ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਸੈਕੰਡ ਲੈਵਲ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੈਕੰਡਰੀ ਕੇਅਰ 'ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਮੀ ਪੇਸ਼ੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਔਰ ਪੀਪਲ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇੱਕ HR ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਕੁਪਮੈਂਟ ਅਤੇ ਤੀਜੀ ਬੈੱਡ ਹੈ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਡਾਕਟਰਸ ਆ ਗਏ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਧੀਰ ਮੇਰੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਆ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜੇ IMA ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੈਪ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਗੈਪ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਨਰਸਿਸ ਘੱਟ ਆ, ਇੰਨੇ ਡਾਕਟਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟਸ ਹੋਣੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇਕੁਪਮੈਂਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜਿਸਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਫ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬੈਸਟ ਆਪਟੀਮਮ ਯੂਜ ਇਹਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਗੈਪ ਅਨਾਲਿਸਿਸ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੋਨਸੈਪਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਫੈਸਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਮਰੀਜ਼ ਹਸਪਤਾਲ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਚਾਹੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ 'ਚ ਆਵੇ ਜਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਸਪਿਟਲ 'ਚ ਆਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਏਗੀ, ਠੰਡਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਲਈ ਹੋਏਗਾ। 12,700 नियमित अनुबंध शिक्षकों का बड़ा तोहफा देने के बाद अब पंजाब सरकार आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा करने जा रही है। पंजाब के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं का नया मानदेय जारी करने के लिए 8 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। डेटा अप्रोच के लिए मोबाइल की मांग भी जल्द ही पूरी की जाएगी, और यह घोषणा पंजाब की सामाजिक सुरक्षा, महिला और बाल विकास मंत्री डॉक्टर बलजीत कौर ने की है। बता दें आपको कि वो खन्ना के दोहरा में कार्यक्रम में हिस्सा लेने पहुंचे थे, और इसी दौरान डॉक्टर बलजीत कौर का कहना है कि सरकार एक महीने के भीतर ही 6,000 नई आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों की भर्ती करने जा रही है, इससे स्टाफ की कमी दूर होगी। इंस्टीट्यूशन अपने पद्धर से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और इतने मेरा ऑन द मेन परपस ये सी, क्योंकि मेरे डिपार्टमेंट ना जुड़िया हुआ, चाहे असी ओल्ड एज होम्स ले लीजिए, जो चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, और जिते भी कितने वधिया काम कर रहे हैं, अपने पद्धर से NGOs कर रहे हैं या सरकारी कर रहे हैं, उन्होंने देखना और उस तो बाद उन्होंने प्रेरणा लैके असी अपने सरकारी जोड़े इंस्टीट्यूशन ने उन्होंने भी स्ट्रोंग करना, ये भी एक परपस। और उस तो बाद इन्हां दे नाल जो इस इंस्टीट्यूशन चला रहे ने, सक्सेसफुली चला रहे ने, उन्हां तों असीं प्रेरणा भी लै सकते हैं, और इन्हां नूं जिहड़ी हैल्प कोई गवर्नमेंट कोलों जिस दे नाल होर बेहतरी दे नाल समाज की सेवा कर सकन, वह भी असीं इन्हां दे नाल खड़े होवां। मैडम, जिस तरह के आंगनवाड़ी के अधीन तुहाडा सारा नैटवर्क हैगा जी, आंगनवाड़ी की बहुत बुरी हालत है, जिस तरह पक्के ते पानी की व्यवस्था नहीं, की कहना चाहोगे? बिल्कुल जी, इस तरह ही जिवें पिछले मैं नहीं सोच सकती कि किन्ने सालों तो बुरी हालत चली आ रही है, और उस दे विच असी CSR थ्रू भी हैल्प लै रहे हैं कि असी अपनी जिहड़ियां आंगनवाड़ी सेंटर्स ने उन्होंने अपडेट करिए, और इस तो बाद असी 1,000 होर नवे आंगनवाड़ी सेंटर खोलने शुरू कर दिते ने। मध्य प्रदेश का संस्कृति विभाग लोगों को मुफ्त में हवाई सफर करवा रहा है। ऐसे 40 बच्चे आज सुबह ही अयोध्या में विराजित राम लला के दर्शन करने के लिए रवाना हुए। यहां आपको बता दें कि इसमें स्कूली छात्र, कॉलेज के विद्यार्थी और आम लोग भी शामिल हैं। दरअसल तुलसी मानस न्यास ने पूरे मध्य प्रदेश में पिछले कई दिनों से चरित्र मानस के अयोध्या कांड पर एक प्रतियोगिता का आयोजन किया था। इसमें प्रदेश भर से हजारों लोगों ने हिस्सा लिया, जिसमें 172 लोगों को शामिल किया गया और उनको अलग अलग स्थानों की हवाई यात्रा कराई जा रही है। इसमें आज 40 लोगों का पहला जत्था अयोध्या के लिए रवाना हुआ। साथ ही राजधानी के मानस भवन परिसर में लोगों से संवाद कर संस्कृति उप मंत्री उषा ठाकुर ने उन्हें अयोध्या के लिए रवाना किया है।
मछिवाड़ा में एक ट्रैवल एजेंट के ऑफिस और घर पर सीबीआई की टीम ने छापेमारी की है। पिछले कई घंटों से टीम जो है वो जांच में जुटी हुई है। मिली जानकारी के मुताबिक सीबीआई टीम के अधिकारियों ने मछिवाड़ा पुलिस के साथ मिलकर ट्रैवल एजेंट बलविंदर सिंह के गांव झाड़ौड़ी में ये पर छापेमारी की है। घर और स्थानीय समराला रोड पर स्थित कार्यालय पर भी छापा मारा गया है। सीबीआई टीम के अधिकारी ने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि वो दिल्ली से आए हैं और एक मामले की जांच कर रहे हैं। और बिजनौर में प्रधानमंत्री मोदी के 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम के तहत जनसभा आयोजित की गई है। इसमें प्रदेश के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और बीजेपी नेता शामिल हुए। तो वहीं गर्मी की वजह से बीजेपी कार्यकर्ताओं की हालत इस दौरान खराब नजर आई है। कानपुर देहात की ओर रुख करेंगे, जहां पर सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता के ऑफिस की तस्वीर सामने आई है। यहां पर अधिशासी अभियंता सिंचाई ऑफिस में ही नहीं बैठते हैं, कुर्सियां खाली पड़ी हैं, जबकि योगी सरकार के निर्देश साफ हैं कि सभी विभागों के अधिकारी सुबह 10 बजे से ऑफिस में बैठकर जनसुनवाई करेंगे। लेकिन बावजूद इसके सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सुरेंद्र कुमार कौशल योगी सरकार के निर्देशों की खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। एक साल पहले काम कराया, तब से आज तक ना एस्टिमेट कर रहे हैं ना भुगतान कर रहे हैं। जो एस्टिमेट किए भी हैं उनके भी लोग साथ से भुगतान भी नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? नहीं सर, एक वजह से पैसा नहीं है, पैसा नहीं। अब कब से यहाँ चक्कर काट रहे हैं और इनका क्या हिसाब किताब है? मैं पूरे चक्कर काट रहा हूँ जब से बिल बने हैं, और जब मैं आता हूँ तो ये 12 बजे के बाद ऑफिस नहीं बैठते हैं, और जब मुलाकात करना होता घर दरवाजे जाते हैं तो वहाँ से कहवा देते हैं मैं बीमार हूँ, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ये करके आज भी वही स्थिति है। इसीलिए आप लोगों को बुलाया गया, यही स्थिति आज की भी है। 11:30 बजे से मैं बैठा हूँ, अभी तक मुझे मिलने कोशिश नहीं, कई खबरें जा चुकी लेकिन निकल नहीं। कहते हैं ठेकेदार, मैं एक साल से यहाँ दौड़ रहा हूँ, एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं ना भुगतान कर रहे हैं, जो आते हैं तो मिलते नहीं हैं। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी मैं एक रुपये के लिए तवा हूँ। अच्छा, अधिकारी से मिले नहीं है क्या? मिलते ही नहीं है। मिलते नहीं कि बैठते नहीं है? नहीं, ना मिलते हैं ना बैठते हैं। तो बाकी और भी लोग आते होंगे तो परेशान रहते होंगे? हाँ, बाकी परेशान रहते हैं। बुलंदशहर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। नरोरा पुलिस ने 3 वाहन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है और उन्हीं के निशानदेही पर चोरी की 14 बाइकें बरामद कर ली गई। पकड़े गए चोर दूसरे राज्यों से चोरी करके बाइक को यूपी में बेचते थे। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने के तहत चला गया अभियान में थाना नरोरा पुलिस के द्वारा अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को पकड़ा गया है, जिनसे 14 मोटरसाइकिल और एक एक्टिवा बरामद हुई है। 3 अभी भी गिरफ्तार हुए, जिनके खिलाफ काफ़ी मुकदमे लिखे हुए हैं बुलंदशहर में, नोएडा में, दिल्ली में। जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाने के तहत मुरादाबाद में भारतीय किसान यूनियन की तरफ से जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा गया है। किसानों ने यहां पर एमबीए को अपनी जमीन देने से मना कर दिया है। किसानों का कहना है कि उनकी अपनी जमीन है और वो एमबीए को वो नहीं देंगे। किसानों ने यह भी बताया कि उनकी जमीनों को जबरन लेने का काम किया जा रहा है। इसे को देखते हुए कई गांव से आए हुए किसानों ने जिलाधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। एमडीए द्वारा जो किसानों की भूमि अधिग्रहण की जा रही थी, उसमें किसान का ये कहना है कि हम अपनी किसी भी कीमत पर जमीन नहीं देंगे। भारतीय किसान यूनियन का भी ये कहना है कि हम जबरदस्ती किसान की जमीन नहीं लेने देंगे। भाई एक बात और सीधा कहना है, किसान की मर्जी नहीं है तो नहीं है, और किसान की मर्जी है तो है। तो किसान ने ये मन बना लिया कि हम अपनी जमीन नहीं देंगे तो नहीं। सीधा सीधा को लेकर बात है कि मुआवजा बढ़ा के देना, ना मुआवजे का तो सवाल ही नहीं है। भाई एक बात आओ, जमीन जब ये किसानों ने मन बना लिया कि हम अपनी जमीन नहीं देते तो जबरिया थोड़ी है, नहीं दे रहे, नहीं दे रहे। वो ज्ञापन के माध्यम से एमडीए से कहा है कि किसान जमीन देने को राजी नहीं है, किसान जमीन किसी कीमत पर नहीं देगा। गोरखपुर में दीवानी न्यायालय में पेशी पर आए कैदी ने ब्लेड से गला काटकर आत्महत्या करने की कोशिश की है।
मौके पर कैंट पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए कैदी को जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया है। जानकारी के मुताबिक सूर्यकुंड निवासी बंटी मर्डर केस में जेल में बंद कैदी का दीवानी न्यायालय में पेश करना था और इसी दौरान दीवानी न्यायालय परिसर में कैदी ने ब्लेड से गला रेत कर आत्महत्या की कोशिश कर ली। मौके पर पुलिस प्रशासन ने उसे पकड़ा और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भाई है वो आया था पेशी पे छूटने खातिर अपना गला और हाथ काट लिया। कह रहा तुम लोग छोड़ा नहीं रही हो, हम लोग छोड़ा रहे हैं तो वकील साहब कह रहे हैं कि 3-4 दिन बाद छूट जाएगा, तो 14 महीना हो गया तो घबरा रहा है कि छूट नहीं रहे। अब पता नहीं, हम लोग तो नीचे थे, वो लॉकअप में था ऊपर, वो कचहरी में नहीं जो लॉकअप होता है उतना ऊपर था, हम लोग तो नीचे थे। और रायबरेली में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, 4 साइबर ठगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पीड़ित का यहां पर कहना है कि उसने जीआई वायर के सप्लाई के लिए जस्ट डायल वेबसाइट पर सर्च किया और उसके बाद एक व्यक्ति से संपर्क कर उसके बैंक खाते में 80,000 रुपए भेज दिए गए, पर डिलीवरी के लिए जब संपर्क करने का प्रयास किया गया तो आरोपी ने फोन नहीं उठाया है, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की और 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। बहुत अच्छे साइबर क्राइम करने वाले गैंग का भंडाफोड़ बछाणवा पुलिस के द्वारा किया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी कुछ दिन पहले एक प्रदीप नाम के व्यक्ति ने थाना बछाणवा में एक मुकदमा लिखाया कि उनके साथ ऑनलाइन फ्रॉड हुआ है। उन्होंने जीआई वायर उनको ख़रीदना था और करीब 17 लाख रुपये की उनकी डील थी। उसके लिए उन्होंने जस्ट डायल पर नंबर सर्च किया, उस पर कई पॉपअप होते हैं कई कंपनीज़ के नंबर, उसमें एक कंपनी सन इंफ्रा का नंबर पॉपअप हुआ, उससे उन्होंने बात की और उन लोगों ने उनको प्रॉमिस किया कि उनको बहुत अच्छा जीआई वायर वो सस्ते दामों में प्रदान करा देंगे। उनकी बातों में आकर के उन्होंने 8 लाख रुपए उनके अकाउंट में एडवांस में जमा कर दिए और बाद में वो वायर नहीं आया और वो वहाँ से कंपनी भी गायब हो गई। जब इस बात पर उनको शक हुआ तो उन्होंने थाने को सूचना दी, थाने में मुकदमा लिख करके थानाध्यक्ष बछाणवा और उनकी टीम के द्वारा इसमें जांच पड़ताल की गई और जांच पड़ताल के पश्चात पटना बेस्ड एक गैंग जिसके 4 व्यक्ति पकड़े गए हैं जिनका सरगना है रवि सिंह। मुरादाबाद पहुंचे आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के मिस्र की मस्जिद में जाने पर सवाल खड़ा कर दिया है। उनका यह कहना है कि मिस्र में गए तो मस्जिद में चले गए, बहुत अच्छी बात है, पाकिस्तान में जाते हैं तो नवाज शरीफ को गले लगा लेते हैं, दुबई जाते हैं तो शेखों को गले लगा लेते हैं, मिस्र में मौलाना को गले लगा लेते हैं और हिंदुस्तान में कहते हैं कि हम तो कपड़े से पहचान लेते हैं कि ये कैसा दोहरा मापदंड है और आपकी पार्टी के लोग इस देश को नफरत की आग में झोंकने का काम कर रहे हैं। तक पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी बत्ती गुल अभियान चला रही है। योगी जी ने कहा कि 24 घंटे शहरों में बिजली रहती है, पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के अंदर मैं आपको बता सकता हूं शहरों में 10-10 घंटे 12-12 घंटे बिजली कट रही है। पिछले 10 साल से न तार बदले गए, न ट्रांसफार्मर बदले गए, न टूटे हुए खंभे बदले गए। गांव में ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो हफ्ते हफ्ते 10-10 दिन तक बदला नहीं जाता। बिजली कटौती एक बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में बन चुकी है। बलिया और पूर्वांचल में सैकड़ों लोगों की जान गर्मी की वजह से जा चुकी है। आम आदमी पार्टी 2 जुलाई को यूपी के सभी जिलों में लालटेन जुलूस भी निकालेगी और बिजली कटौती के साथ साथ बिजली महंगी की जा रही है। ये दोहरा प्रहार जनता के ऊपर है। और अमेरिका से ड्रोन डील पर कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का बयान सामने आया है। लगा यह है कि पवन खेड़ा का कहना है कि सरकार पर उन्होंने आरोप लगाया कि ड्रोन सौदे में 25,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। पवन खेड़ा ने सवाल उठाते हुए यह भी कह दिया कि इतना महंगा डिनर कभी किया है क्या किसी ने। अब प्रधानमंत्री के ये जो महंगे शौक हैं ये देश के लिए महंगे पड़ रहे हैं। जो राफेल डील में हुआ
वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में दोहराया जा रहा। मैं दोहराता हूं, जो राफेल डील में हुआ वही अब प्रीडेटर ड्रोन्स की खरीद में भी दोहराया जा रहा है। जिस ड्रोन को बाकी मुल्क 4 गुना कम कीमत में खरीदते हैं, उसी ड्रोन को हम $110 मिलियन यानी कि 880 करोड़ प्रति ड्रोन, 880 करोड़ पर ड्रोन हम खर्च कर रहे हैं। आप विजुअल्स भी साथ साथ चलाते रहें, आपको ये प्रेस रिपोर्ट्स दिख रही हैं जिसमें कीमत भी दिख रही है, $3 बिलियन 25,000 करोड़ रुपए के हम 31 ड्रोन खरीद रहे हैं। जो जॉइंट स्टेटमेंट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन का आया था, उसमें पॉइंट नंबर 16 आप अगर देखेंगे तो उसमें आपको इन ड्रोन्स के बारे में जिक्र मिलेगा। तो जब जॉइंट स्टेटमेंट में कोई बिंदु आ जाता है तो आप समझ सकते हैं कि वो किस स्तर पर वो बात पहुंच चुकी होगी। अरे जब आप ही सारे निर्णय लेंगे तो आप ही को तो पूछेंगे, आप ही से तो कहा जाएगा, इसलिए हम आप ही सर पूछते हैं, आप ही से सवाल, और आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो आपकी आईटी सेल पूरा मटिया मेट कर देती है, पानी फेर देती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप समझ में आता है आप क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते? आप कितना डरते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस से हमें नहीं मालूम, आपकी पार्टी कितना डरती है आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से वो तो दिख ही रहा है। तो मेक इन इंडिया तीसरा बिंदु, कहां गया मेक इन इंडिया? डीआरडीओ को 1786 करोड़ आपने आवंटित किए, रुस्तम और घातक नाम के जो ड्रोन्स थे उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए। तो 1786 करोड़ आपने दिया डीआरडीओ को और फिर 25,000 करोड़ अमेरिका से में जाकर दिया है कि भाई हमें ड्रोन्स दे दो। तो या तो ये 1786 करोड़ आपने गलत दिया और या फिर वो 25,000 करोड़ आपने गलत दिया, दोनों तो सही हो नहीं सकते। और ये कौन से ड्रोन्स हैं अमेरिका में? ये वो ड्रोन्स हैं जो आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है, उस ड्रोन को अब इस्तेमाल अमेरिका नहीं कर रहा, उसके स्टोर रूम में पड़े हैं कि साहब ले जाओ। तो जब हम कुछ कबाड़ में बेचते हैं, सस्ता बेचते हैं या महंगा बेचते हैं? हमने भी खाना खाया है विदेशों में, आपने भी खाया है देश में भी विदेश में भी, ऐसा डिनर, इतना महंगा डिनर कभी किया है जिसमें 25,000 करोड़ देश को देने पड़ जाए? इसलिए हम जानना चाहते हैं कि ड्रोन के पीछे है क्या। एक पिक्चर बनी थी हम आपके हैं कौन, ये एक नई पिक्चर बन रही है हम आपके हैं ड्रोन, जिसके हीरो हैं नरेंद्र मोदी। हम जानना चाहते हैं डायरेक्टर कौन है, निर्देशक कौन है, हमें तो मालूम है निर्देशक कौन है, हम आपसे जानना चाहते हैं निर्देशक कौन है, क्योंकि जिस कंपनी से ये खरीदे जा रहे हैं जनरल एटॉमिक्स, उनके सीईओ के रिश्ते प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार में किससे कितने घनिष्ठ और कितने गहरे हैं ये हम और आप जानते हैं। कौन है वो महत्वपूर्ण व्यक्ति, वो द्रोणाचार्य जो इस पिक्चर का निर्देशन कर रहा है? उस मित्र का नाम आप सब जानते हैं और उनकी कितनी बैठकें हिंदुस्तान में एक अति महत्वपूर्ण व्यक्ति से हुई जिसको मैं आज द्रोणाचार्य का दर्जा दे रहा हूं। भारत दूसरे देशों की तुलना में ड्रोन के लिए ज्यादा कीमत क्यों दे रहा है? जब वायुसेना को इन ड्रोनों की आसमान छूती कीमतों पर आपत्ति थी तो डील करने की इतनी जल्दी क्यों थी? और माफ कीजिएगा, हमारी वायुसेना ने 18 ड्रोन्स की मांग की थी, हम उन्हें 31 दे रहे हैं, कुछ तो राज है। मैंने मेक इन इंडिया के विषय में आपको बताया है, 8-9% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर पर हम क्यों सहमत हो गए? सिर्फ 8-9% टेक्नोलॉजी, ये हमारा तीसरा सवाल है। जनरल एटॉमिक्स के सीईओ के मौजूदा सत्ताधीशों
और जो प्रभावशाली हस्ती है इस देश की, एक बहुत प्रभावशाली हस्ती है, उससे क्या संबंध है? यह हमारा चौथा सवाल है। हम मांग करते हैं कि इस ड्रोन डील में पूरी तरह से पारदर्शिता लाई जाए ताकि हिंदुस्तान प्रधानमंत्री मोदी के कारण एक बड़े घोटाले में, राफेल के बाद ये दूसरा बड़ा घोटाला होगा, एक और बड़े घोटाले में ना फंस जाए, क्योंकि मोदी सरकार राष्ट्रीय हितों को खतरे में डालने के लिए जानी जाती। तो ही पंजाब सरकार ने प्रदेश के अनुबंधित शिक्षकों को खुशखबरी देते हुए उनके सैलरी में बड़ा इजाफा कर दिया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐलान कर दिया है कि अब 6,137 एजुकेशन वॉलंटियर्स को 3,500 रुपए वेतन की जगह 15,000 रुपए की सैलरी मिलेगी। इसके पहले अनुबंधित शिक्षकों को पक्का करने की घोषणा की गई थी और इसके साथ ही 58 साल तक ये टीचर काम कर सकेंगे। जी, मैं तो अपना भगवंत मान। दोस्तों, जिहड़े टीचर ने, जिहड़े स्कूलों च पढ़ाने वाले अध्यापक ने, उन्होंने कौम दे निर्माता कहा जाता, नेशन बिल्डर, जिन्होंने साडे बच्चों का भविख बनाउणा हुंदा है ते उस भविख ने अगे जाके देश बनाउणा हुंदा है। पंजाब दे विच पिछले कई सालों तो कच्चे अध्यापक, ठेके ते रखे हुए अध्यापक, किसी सोसाइटी दे अधीन काम करदे, कोई कॉन्ट्रैक्ट ते, बहुत सारिया कैटेगरीज़, बहुत सारे इस तरह के अध्यापक सी जिन्हों बहुत निगूणिया तनखाहों पर रख्या होया सी। उन्होंने खर्चे भी नहीं पूरे होंदे सीगे स्कूल आउण जाण दे, पढ़े लिखे ने, डिग्रियां कीतियां हुई ने, तो वह जगह जगह पर धरने, जगह जगह पर रोस प्रदर्शन उन्होंने चलते सी कई सालों तो। तो असी जिस वेले इलैक्शन तो पहला उन्होंने मिले तो असं उन्होंने वादा भी किया, गरंटी भी दिती सी अरविंद केजरीवाल जी और असी सारी टीम साड़ी, असी गए सी उन्होंने कई धरनों के कई कानूनी अड़चना सरकार बनने तो बाद पेश आईया, तो असी सारिया अड़चना पूरी करके पिछले दिन कैबिनेट के फैसला लिया सी कि असी उन्होंने सारे अध्यापकों पक्के करन जा रहे हैं, जिन्होंने 10 साल तो बाद नौकरी कर ली, जा कई 10 साल वाला कैप भी हटाता असी कि जिन्होंने कोई किसी की 5-6 महीने घट भी है, जो कोई वो कैटेगरी है जी, वो सारे असी जे पक्के करन जा रहे हैं, कि स्पैशल केडर असी जिहड़ा तैयार कर लिया। मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री मोदी के किसानों के मुद्दे पर दिए गए भाषण पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की प्रतिक्रिया सामने आई है। पीएम मोदी पर पलटवार करते उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आप सुनिए। किसानों के दौरान सूखा पड़ता था तो परेशानी किसान की होती थी। आपको आंकड़ा याद रखना चाहिए, 2.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए, कितने? 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के खाते में जमा हो चुके हैं। 2 लाख करोड़ हुआ बजट का, कितना हुआ भाई ये बता दो। उठ में मुजीरा प्रधानमंत्री जी से मैं तो ये कहना चाहूंगा, आपके निर्वाचन क्षेत्र में किसान 1200 रुपए क्विंटल में धान बेचने के लिए मजबूर क्यों है? छत्तीसगढ़ में वही किसान समर्थन मूल्य में बेच रहे हैं और राजीव गांधी इनपुट सब्सिडी भी मिल रहा है।